वो अपनी उस कमी को छुपाने के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है अजमेर शहर के साथ, उसको छुपाने के लिए हम पर हावी होने की कोशिश कर रही थी और मेरा हाथ मरोड़ा और मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसको हम क्वारंटाइन में नहीं रख सकते हम लोग, ये बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा कंजेस्टेड एरिया है जहाँ अगर एक पॉजिटिव होता है तो बहुत सारे पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। क्लियर कट कहती है कि उन्हें हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजेंगे जब तक नेगेटिव रिजल्ट ना आए, कि नोडल अधिकारी का कहना है कि सबको होम क्वारंटाइन करें। तब तक मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, तो ये जानते हुए भी कि इससे कुछ परेशानी आ सकती है हमें, मुझे उन लोगों को दोबारा घर भेजना पड़ा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अजमेर में बुधवार को उस वक्त चिकित्सा महकमे में हंगामा मच गया जब एक महिला चिकित्सा अधिकारी ने IAS दंपति पर चिकित्सा कर्मियों को तंग करने का आरोप लगाया। यह आरोप अजमेर में तैनात SDM अर्तिका शुक्ला पर लगाया गया है। इसके साथ ही चिकित्सकों ने अपना रोष प्रकट कर ऐसे तनावपूर्ण माहौल में काम ना कर पाने का आरोप भी लगाया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने अजमेर की SDM और COVID-19 की नोडल अधिकारी अर्तिका शुक्ला पर 21 अप्रैल की रात को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कक्ष में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। चिकित्सा अधिकारी का आरोप है कि SDM शुक्ला ने उनका हाथ मरोड़ा और अपने सुरक्षा गार्ड को इशारा कर उनका मोबाइल छीन लिया। हालांकि डॉक्टर रंगा ने कहा है कि हम COVID-19 से युद्ध स्तर पर मुकाबला करते रहेंगे, लेकिन सरकार को हमारी सुरक्षा भी करनी चाहिए। खैर, हमने SDM अर्तिका शुक्ला से भी बात की है और उन्होंने चिकित्सा अधिकारी ज्योत्सना रंगा के सभी आरोपों को नकार दिया है। चलिए अब आप पहले सुनिए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा को और उसके बाद आपको सुनाते हैं SDM अर्तिका शुक्ला को। होने के बावजूद उन्होंने होम क्वारंटाइन नहीं किया, फिर शाम को एक बदसलूकी हुई। सर, हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन से पहले ही कहा था कि अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो फिर उनको होम क्वारंटाइन में नहीं रख सकते हम लोग, ये बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा कंजेस्टेड एरिया है जहां अगर एक पॉजिटिव होता है तो बहुत सारे पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। और जब हम सैंपल ले रहे हैं तो उसके बाद गाइडलाइंस क्लियर कट कहती है कि उन्हें हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजेंगे जब तक नेगेटिव रिजल्ट ना आए। अगर पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटल, नहीं तो फिर फैसिलिटी में वो रहते हैं 14 दिन तक। लेकिन हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद जो नोडल अधिकारी है, उन्होंने पहले तो ये मैसेज करवाया कि हमने पहले भी होम क्वारंटाइन किया था जब खारीकुई में हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, 51 लोग मानसिंह और स्टार क्वीन में रुके थे, वो जाके अब रिलीज़ हुए हैं, तो हमें गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे पास उनका CMHO द्वारा मौखिक आदेश आया कि नोडल अधिकारी का कहना है कि सबको होम क्वारंटाइन करें। तब तक मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, तो ये जानते हुए भी कि इससे कुछ परेशानी आ सकती है हमें, मुझे उन लोगों को दोबारा घर भेजना पड़ा क्योंकि कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, नोडल अधिकारी की तरफ से नहीं कराई गई। फिर शाम को जब 35 केस आए, उससे पहले ब्यावर के हमारे साथियों ने हमें फ़ोन किया कि यहाँ हमें जो SDM है वो दिन भर एक्सप्लेनेशन निकाल रहा है और ऐसे एक्सप्लेनेशन निकाल रहा है जैसे बजट के लिए, तो बजट तो हमें अलॉटेड ही नहीं था कुछ। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था, हम लोग सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था देख सकते हैं, हम आपको ठीक कर सकते हैं, हमको बीमारियाँ होने से बचाने के प्रयास करवा सकते हैं। किसी भी फैसिलिटी क्वारंटाइन या शेल्टर होम में जो व्यवस्था है वो तो प्रशासन का काम है और प्रशासन के पास ही बजट है, तो जब SDM के पास बजट था तो वो कैसे एक्सप्लेनेशन निकाल सकता है कि इस मद में इतना पैसा आ रहा है और आपने उसका क्या किया। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने वो पैसा रिलीज़ नहीं किया, तो फैसिलिटी क्वारंटाइन वालों को भामाशाहों के द्वारा खाना वगैरह भिजवाना पड़ा है ना, तो वो व्यवस्थाएँ भी डॉक्टर्स ने अपनी गुडविल के आधार पर की, उस पर भी एक्सप्लेनेशन निकाले, रिपोर्टिंग पर भी एक्सप्लेनेशन निकाले। तो आपको क्या सिर्फ आंकड़े ही चाहिए क्या, या काम चाहिए? रिपोर्ट्स आने में कई बार आधा एक घंटा ऊपर नीचे होता है क्योंकि फील्ड की व्यवस्थाएं होती है, कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, कई बार हमारी टीम्स वापस लेट लौटती है, सारी रिपोर्ट्स काम नहीं करें, हम सिर्फ रिपोर्ट बनाते। तो जब इस चीज़ का विरोध हुआ, ब्यावर के साथियों ने हमसे संपर्क किया, हम जिला इकाई के लोगों से, और मैं तो राज्य की प्रवक्ता भी हूँ तो मुझे एक स्टेट की तरफ से भी एक सेतु बनना था, तो मैंने एक पोस्ट डाली कि जब आपका प्रशासन ग्राउंड जीरो पे कभी दिखा ही नहीं तो फिर वो किस चीज़ के हक मांग रहा है, और बजट तो आपने हमें दिया ही नहीं तो हमसे बजट का हिसाब कैसे मांग रहे हो। वो चीज़ ब्यावर के डॉक्टर्स को बहुत हर्ट करी थी। सब स्वाभिमानी है,
स्वाभिमान बेच के तो कोई भी काम नहीं करेगा, और हम इनके खरीदे हुए नौकर नहीं है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि फिर जब 35 केसेस जब पॉजिटिव आए, तो हमने, क्योंकि प्रशासन तो कहीं, नोडल अधिकारी तो कहीं सीन में थे ही नहीं, मैंने तो उनको 2.5 महीने के बाद, आज कोविड एक्टिविटीज़ चलने के बाद, कल उनकी शक्ल पहली बार देखी। तो मेरी DYSP रजत जी से बात हो रही थी, जिस दिन हम लोगों ने सैंपल लिए थे उस दिन भी प्रशासन का एक बंदा भी वहाँ नहीं था। तो मैंने डिप्टी साहब के साथ, रजत जी के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाएं वहाँ करी थी, और आप लोग गवाह हैं कि वहाँ बिल्कुल भी केओस नहीं होने दिया। 300-350 लोगों को निकाल के शांतिपूर्वक ये काम करवाना और वापस उनको घरों में भेजना बड़ी कवायद थी, लेकिन पुलिस के सहयोग से हमारा काम इतना आराम से हुआ कि हमें प्रशासन की कमी नहीं महसूस हुई, लेकिन कमी तो थी। जब पुलिस का कप्तान बाहर आ सकता है तो नोडल अधिकारी नहीं आ सकती क्या? फिर वो हर चीज़ को कमांड कैसे करेंगी? और तो जब हमने ये 35 केस की हम जब प्लानिंग कर रहे थे, रजत जी के साथ मेरी प्लानिंग चल रही थी, इतने में वो आई, आके CMHO से बदतमीज़ी करने लगी, तुम्हारी गलतियों की वजह से इतने केस आ गए, तूने ऐसा किया, तुम्हारे, फिर बोले इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कौन लेगा? तो CMHO साहब ने कहा कि भाई रेजिडेंट, इस बात पर मेरे चेहरे के भाव बदले थे सिर्फ, मैंने बोला कुछ नहीं। और तो बोले कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं भी आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बोले गेट आउट, मैंने कहा नो, मैं नहीं जाऊँगी बाहर, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना था, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और मैं बाहर नहीं जाऊँगी, आपको जो करना है कर लो। तो बोले कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, मैंने कहा मैं भी नहीं कर रही हूँ। बोले जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलोगे, मैंने कहा कौन बोल रहा है? फिर मैं मेरा मोबाइल मेरे हाथ में लेके ऐसे बैठ गई थी, तो बोले तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो, मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। सर इतनी साख तो बना ली है कि अगर मैं अंदर बंद कमरे में क्या हो रहा है वो बाहर आके झूठ भी बोलूँगी ना तो लोग मानेंगे, लेकिन मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और ना मैं बना रही थी, ना मेरे मोबाइल में इतना चार्ज था रात के 11 बजे कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ। लेकिन उसने फिर भी, पता नहीं उसको, उनको क्या डर लगा, तू तड़ाके से CMHO से बात कर रही है, जो उनके शायद बड़े अपशब्द बोल रही हैं, डॉक्टर्स के लिए गंदा गंदा बोल रही हैं, फिर किसी को, पता नहीं किसको फ़ोन किया कि यहाँ पे 3-4 डॉक्टर मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, इन्होंने कभी काम किया नहीं, अपनी कमियाँ छुपाने के लिए मेरे पे दबाव बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हुआ इसका उल्टा था। वो अपनी उस कमी को छुपाने के लिए, जो उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है अजमेर शहर के साथ, उसको छुपाने के लिए हम पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। इतने में उठ के आई, इतने में उठ कर आई और मेरा हाथ मरोड़ा और मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की, ये देखिए निशान है अभी भी। तो मैंने दिया नहीं उनको, मैंने दूसरे हाथ में लेके, पास में खड़े थे डॉक्टर, उनको दे दिया, फिर बैठ गई वो। फिर थोड़ी देर बाद अपने गार्ड को बुलाया कि इसे मोबाइल ले, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ भी दी थी कि भाई अगर तुमने नहीं रिकॉर्ड किया तो दिखा दो, मैंने कहा मेरा मोबाइल मैं नहीं दिखाती, अगर इतनी बदतमीज़ी है तो नहीं दिखाती मैं। तो उस गार्ड ने मेरे से छीना मोबाइल और लेके खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ हमारे RCHO साहब से अनशंट बोल के फिर कहती है तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगी। तो सर ऐसा है कि मोबाइल टूटता है तो हमें तकलीफ़ होती है ना, मामला अभी हम लोग सब बात करेंगे, पहले हम ब्यावर जाएंगे। उस मोबाइल को उन्होंने मेरे से छीना, जब तक उसको देखा नहीं कि मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तब तक मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद हम लोग तो PPE किट पहन के और निकल गए थे, हम लोग सुबह 5 बजे तक वहाँ कार्रवाई कर रहे थे, और वो यहाँ धमकी दे के गई कि मैं इसको सस्पेंड कराऊँगी, तो वो चाहे कुछ भी करे मैं डरूँगी नहीं, और हम पूरी हमारी यूनियन डिसाइड करेगी कि क्या करना है, पर पहले हम ब्यावर जाएंगे, हमारा कमिटमेंट है, पहले हमारे ब्यावर के साथियों की समस्या सुलझेगी फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं तो अभी कोविड अस्पताल आई हुई हूँ, बस मुझे यही कहना है कि पेशेंट्स हैं पूरे, मैं काम करने गई थी एज कोविड इंचार्ज, बाकी कुछ भी जो उन्होंने कहा उसमें से सकती नहीं है। एज कोविड इंचार्ज अजमेर में गई थी, मैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्लानिंग कर रही थी, और उन्होंने बीच में इंटरवीन किया, उनका फोन बज रहा था तो उनको साइड में रखने को कहा, और इतने पे एट अ टाइम जब एक दिन में 44 मरीज आ रहे हैं इसमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और हम तो वहाँ 1:30 बजे तक बैठे थे, फिर मैं वापस आ गई, मैं आज फिर जाऊंगी तो प्लान करने। एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि हाथ पकड़ने वाली बात बोली है उसके साथ जो आपके, नहीं उनको मोबाइल रखने बोला था केवल, ये बिल्कुल झूठ है जो बोला है उन्होंने, उनको मोबाइल रखने बोला था कि मोबाइल पे चैट ना करें, जब मैं कोविड इंचार्ज उनके पास उनकी बातें करने और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लान करने गई हूँ।